एक्सपेंशन का क्वेश्चन जो रिलेशन टर्म में क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन विदर ईच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब ये चारों क्वेश्चन में रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट का सॉल्यूशन होगा, फर्स्ट क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए वन से लेकर के कहाँ तक है 14 तक, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कमा वाई 3x-y इक्वल टू जीरो। मतलब सेट ए के पास 1-3 से लेकर के 14 तक है, तो यहाँ से ए इक्वल टू 1-3-14 तक, और आर इक्वल टू है एक्स कमा वाई 3x-y इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमा वाई सच डेट 3x-y इक्वल टू जीरो। ये रिलेशन को रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले इसमें 1-14 तक है, x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 रखने पे कितना आएगा 3, 3-y इक्वल टू जीरो, यहाँ से y बराबर कितना 3, मतलब x के जगह 1 रखने पर y की वैल्यू 3। उसी प्रकार अगर x के जगह इसमें 2 रखते हैं, तो मतलब 2 रखेंगे कितना आएगा 3×2=6, 6-y इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से y इक्वल टू 6 कितना रखने पर, 2 रखने पर। उसी प्रकार 3 रखने पर कितना आ जाएगा, 3×9-y=0, तो y बराबर 9। 4 रखने पर कितना आएगा 12, 4×12-y=0, तो y बराबर कितना आएगा 12। 5 रखने पर 15, लेकिन आपको 1 से लेकर के 14 या 14 तक है, तो 15 नहीं आएगा, तो मतलब इतना होगा। अब यहाँ से इसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है रिफ्लेक्सिव के लिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होता है, तो रिफ्लेक्सिव होता है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होगा तो इस रिलेशन में देखेंगे, मतलब इस रिलेशन में, तो इस रिलेशन में देखिए ए कॉमा ए का मतलब टोटल एवरी एलिमेंट, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। तो मतलब रिलेशन के लिए 1-1 होना चाहिए, 2-2 होना चाहिए, ऐसे करके कहाँ तक 14-14 तक होना चाहिए, किसमें, तो रिलेशन में, जबकि वो नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। मतलब ना 1-1, ना 2-2, ना 3-3, ना 14-14 है, इस रिलेशन में तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और ए और बी किससे बिलोंग्स करेगा, ए से, तो ये सिमेट्रिक के लिए होता है। तो इसे मान के चलिए 1,3 है रिलेशन में, इम्प्लाइड 3,1 भी होना चाहिए रिलेशन में, क्या 3,1 नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं है 3,1, तो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। या 2,6 है तो 6,2 नहीं है, 3,9 तो 9,3 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, अगर ए बी है तो बी सी भी है, तो ए सी भी होगा, सारा किसमें, रिलेशन में। तो यहाँ से ए बी को मतलब मान लेते हैं 1-3 रिलेशन में है, ठीक है। तो ए बी 1-3 हुआ, तो यहाँ से 3 से सेट स्टार कौन सा है, ये, तो ये क्या बन जाएगा बी सी, मतलब 3-9 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ से ए बी ये हुआ, बी सी ये हुआ, तो ए सी कितना होगा 1 और 9, तो यहाँ से देखेंगे 1 और 9 रिलेशन में है कि नहीं, 1-9, 1-3 है, 3-9 है, तो 1-9 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मतलब ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ, नैदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है, यहाँ पर नैदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। अब सेकेंड क्वेश्चन है रिलेशन आर इन द सेट एन, नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, वाई बराबर एक्स प्लस 5, एक्स लेस देन 4, यानी नेचुरल नंबर का सेट है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स लेस देन 4। एक्स लेस देन 4 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन होगा, 1-3, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1-3 एक्स की वैल्यू, मतलब है ना एक्स लेस देन 4, तो लेस देन 4 का मतलब 4 से छोटा एक्स की वैल्यू, तो 4 से छोटा कौन कौन आएगा, 1-3, और वो भी कौन सा नेचुरल नंबर है, तो 1-3 आएगा। तो अगर 1 पुट करते हैं
एक्स की जगह, तो वाई की जगह सिक्स आएगा, तो मतलब 1 6 बना। अगर 2 पुट करेंगे तो 5 2 7 आएगा, 3 पुट करने पर 5 3 8 आएगा, और ये 4 तो पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि 4 से छोटा ही है। अब ये रिफ्लेक्सिव के लिए, ये जो है रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए तो नेचुरल नंबर का सेट यानी रिफ्लेक्सिव ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, तो ये नेचुरल नंबर यानी ए कॉमा ए का मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 3 3 ये नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है सिमेट्री के लिए। अगर ए बी है तो बी ए बी होगा तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ए का मतलब मान लेते हैं 1 6 रिलेशन में है तो 6 1 भी आना चाहिए रिलेशन में, जो नहीं है, 1 6 है 6 1 नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए। तो यहाँ से देखिए 1 6 है तो 6 से कोई सेट स्टार्ट नहीं है, फिर 2 7 है, 6 से कोई 7 से स्टार्ट नहीं है, 3 8 है, 8 से मतलब ए बी है और बी सी नहीं है, तो ए सी भी जरूरी नहीं है तब पर भी ट्रांजिटिव होगा। तो ये नैदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नैदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, न तो रिफ्लेक्सिव है न सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव है। थर्ड क्वेश्चन है रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एज आर बराबर एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6, आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई सच डैट वाई इज डिविजल बाय एक्स। इसको रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव को हो जाएगा एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो मतलब एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब ये क्या बन जाएगा सच डैट में एक्स इज डिविजल बाय एक्स, मतलब ये सही है, मतलब कोई भी नंबर एनी नंबर खुद से डिविजल है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, जैसे 1 1 2 2 3 3 तो डिविजल बाय है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है तो मतलब x इज डिविजल y, y इज डिविजल बाय x, x कॉमा वाई है तो y इज डिविजल बाय x, तो y कॉमा x भी होना चाहिए सिमेट्रिकली, तो y कॉमा x में क्या हो जाएगा x इज डिविजल बाय y, तो मतलब ये नहीं होगा। जैसे मैं 1 2 कर दिया तो इसमें x और ये y है, क्या है y इज डिविजल बाय, तो y की जगह कितना है 2, तो 2 डिविजल है किससे 1 से, लेकिन यही चीज 2 1 कर देते हैं तो ये 1 नॉट डिविजल बाय 2, ठीक है, तो ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, तो मतलब ए बी है एक्स वाई है, y x रिलेशन से नहीं मैच कर रहा है यानी नहीं बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो रहा। ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए अगर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r है तो y कॉमा z ले लेते हैं बिलोंग्स टू r, तीसरा एज्यूम कर लिए x कॉमा z भी बिलोंग्स टू
आर होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो आया, तो सबसे पहले मान लेते हैं कोई नेचुरल नंबर ले लिए, मतलब ये कोई सेट जैसे रिलेशन आर है, ये 1 2 3 4 5 6 है नंबर, तो 1 2 ले लिए। उसके बाद 2 और 4 ले लेते हैं, 1 2 लिए ए बी, तो बी सी कितना हुआ 2 4, तो ए सी कितना होगा 1 4। अब देखिए y डिविजल बाय x है 2 कॉमा 1, यानी 2 1 से डिविजल है, 4 2 से डिविजल है, 4 1 से डिविजल है, तो ये ट्रांजिटिव होगा। तो मतलब ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है और रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ए रिलेशन आर इन द सेट जे, और जेड का मतलब नेचुरल इंटीजर का सेट है, ऑल इंटीजर, तो इंटीजर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव सारा हो जाएगा, बट आर इक्वल टू जेड दिया हुआ है। एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है, और ये इंटीजर का सेट है, तो रिफ्लेक्सिवली क्या बनेगा, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स माइनस एक्स इज एन इंटीजर, मतलब एक्स माइनस एक्स क्या होगा 0, तो 0 भी इंटीजर आता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, तो y और x क्या होगा y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, ये भी सिमेट्रिक होगा। अगर x की जगह 1 और 2 ले लिए, तो 1 2, तो यहाँ क्या है x माइनस वाई इंटीजर, तो 1 माइनस 2 यानी 1 माइनस 2 कितना माइनस 1, तो इंटीजर सही है, ठीक है। अगर 1 2 लिए 2 1, तो 2 माइनस 1 इंटीजर, तो मतलब ये सिमेट्रिक है, ठीक है, इंटीजर आ रहा है। ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई जेड भी बिलोंग्स टू आर, तो एक्स और जेड भी बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक है, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। मतलब एक्स और वाई कोई भी नंबर लिखेंगे रखेंगे तो इंटीजर होगा, वाई और जेड कोई भी नंबर रखेंगे तो इंटीजर होगा, तो एक्स और जेड कोई भी नंबर रखेंगे तो इंटीजर आएगा, तो ये इंटीजर। चलिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, एक्स आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना, ठीक है। तो फिफ्थ का फर्स्ट, यहाँ से एक्स कॉमा वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए एक्स कॉमा एक्स, तो मतलब एक्स एंड एक्स वर्क एट दी सेम प्लेस, तो रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हुआ, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब x एंड y x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, तो y कॉमा x का मतलब y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, अगर x और y वर्क कर रहा है सेम प्लेस पे, तो y और x भी वर्क करेगा सेम प्लेस पे, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए अगर x कॉमा y बिलोंग्स टू r है, y कॉमा z बिलोंग्स टू r, इम्प्लाई डेट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स और वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तो वाई कॉमा जेड का मतलब वाई एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, तो एक्स कॉमा जेड मतलब जेड एजम कर लिए, तो एक्स और जेड का मतलब एक्स एंड जेड वर्क एट द सेम प्लेस, तो ये भी ट्रांजेटिव है, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजेटिव तीनों है, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड में ये जो है आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स एंड वाई लाइव इन द सेम लोकेशन लोकेलिटी, ठीक है, तो ये एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका डिफिनेशन क्या होगा, एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ एक्स, तो यहाँ एक्स क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सेम इटसेल्फ होता है, सेम रिफ्लेक्ट करता है, तो एक्स एंड एक्स, तो एक्स एंड एक्स लाइव इन द सेम लोकेशन, ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए
एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स और वाई लाइव इन द सेम लोकेशन, तो वाई कॉमा एक्स का मतलब वाई एंड एक्स लाइव इन द सेम लोकेशन, तो वो सिमेट्रिक भी है ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए हो जाएगा एक्स वाई अगर बिलोंग्स टू आर है तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इम्प्लाई डेट एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो एक्स और वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स और वाई लाइव इन द सेम लोकेलिटी, वाई कॉमा जेड का मतलब वाई एंड जेड लाइव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स कॉमा जेड का मतलब एक्स एंड जेड लाइव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये भी ट्रांजिटिव है, तो मतलब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों। थर्ड क्या है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm टेलर देन वाई, इसमें भी रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, तो रिफ्लेक्सिवली क्या होगा एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब क्या हुआ एक्स कॉमा एक्स का मतलब एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm टेलर देन एक्स, मतलब यहाँ x और y था तो x एग्जैक्टली 7 cm टेलर देन y, तो यहाँ रिफ्लेक्सिवली x कॉमा x, इसका डिफिनेशन क्या बन रहा है x इज एग्जैक्टली 7 cm टेलर देन x। अब यहाँ से देखिए खुद अपने आप में कोई 7 cm छोटा नहीं होगा, तो ये नोट बिलोंग्स टू आर हो रहा है, तो इसमें आपने 7 cm मतलब एक्स इज एक्जेक्टली 7 cm टेलर देन एक्स, यानी एक्स ही है जो 7 cm छोटा दिखाना है, ठीक है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, कोई अपने अपने 7 cm छोटा नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, सिमेट्रिक। अगर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो सिमेट्रिक होगा। अब यहाँ से देखिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब रिलेशन में एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm टेलर देन वाई हुआ, तो वाई कॉमा एक्स का मतलब क्या वाई इज एग्जैक्टली 7 cm ग्रेटर देन एक्स हो जाएगा, मतलब अगर ए बी से 7 cm छोटा है तो बी ए से 7 cm बड़ा होगा ना, लेकिन डेफिनेशन क्या हो रहा है एक्स इज एग्जैक्टली 7 cm टेलर देन वाई, तो वाई इज एग्जैक्टली यानी ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा, ठीक है, ऐसा टेलर नहीं होगा कि वो उससे बड़ा होगा किससे एक्स से, लेकिन यहाँ पर क्या है अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स बिलोंग्स टू नॉट होगा, मतलब उससे बड़ा हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डेट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर एक्स कॉमा वाई तो मतलब x इज एग्जैक्टली 7 cm टेलर देन y, तो y कॉमा z का मतलब y इज एग्जैक्टली 7 cm टेलर देन y, तो x कॉमा z का मतलब क्या अगर एक्स वाई के जैसे मानते चलिए ये x हो गया ये y हो गया ये z हो गया, इसके इसके गैप 7 cm टेलर देन है, इसके इसके भी गैप 7 cm टेलर देन है, तो x का और z का गैप कितना हुआ 7 और 7 14 cm, तो ये नॉट बिलोंग्स टू r कर रहा है, लेकिन यहाँ डिफिनेशन क्या शो करवा रहा है 7 cm, तो ये एक्स वाई बिलोंग्स टू आर ठीक है, वाई बिलोंग्स टू वाई जेड बिलोंग्स टू आर, बट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। फिफ्थ के फोर क्या है, आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, x इज वाइफ ऑफ y, अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा x कॉमा x बिलोंग्स टू r, अब यहां से x कॉमा x बिलोंग्स टू r का मतलब x कॉमा x, x इज वाइफ ऑफ x, क्या अपने आप में खुद कोई वाइफ थोड़ी होगा, नहीं होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई और एक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब
एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो ये वाई और एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब वाई इज वाइफ ऑफ एक्स हुआ डेफिनेशन के अनुसार। बट अगर एक्स इज वाइफ ऑफ वाई हुआ तो ये वाई इज हस्बैंड ऑफ एक्स होगा, लेकिन यहाँ शो क्या करवा रहा है, वाई इज वाइफ ऑफ एक्स, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, वाई और जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स और जेड बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, अगर एक्स वाई का वाइफ है तो वाई जेड का वाइफ है, तो एक्स और जेड थोड़ी वाइफ होगा, ये तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। फिफ्थ क्वेश्चन में बस वाइफ की जगह फादर है, तो सेम टू सेम ये वाइफ की जगह फादर है। ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो सबसे पहले आर इक्वल टू ए कमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, आर, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। और ये किसका सेट है, रियल नंबर का, तो मान लेते हैं 1/3, 1/3 सच डेट, तो ए की जगह 1/3, बी की जगह 1/3, तो खुद का छाया, तो यहाँ से 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। तो ये देखिए, ये एक का 3 भाग है, एक का 9 भाग, तो 12 ये है और इंडिकेशन उधर की ओर है, ये रिफ्लेक्सिव, यानी स्टेटमेंट फॉल्स है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ से ए कॉमा बी का मतलब मान लेते हैं 1/2, 1/3 रियल नंबर। ठीक है, सच इट, तो 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1/2 लेस देन इक्वल टू बी की जगह, यहाँ बी स्क्वायर, तो 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ से 1/3, 1/2, इसका मतलब 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है और ये गलत है, मतलब ये एक का 3 भाग, एक का 4 भाग, ठीक है, और ये एक का 2 भाग और एक का 9 भाग, तो ये भी गलत है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी जैसे ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव बनता है। तो जैसे इसमें ए और बी है, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो जैसे 1/2, 1/3 ले लिए रियल नंबर, तो बी कॉमा सी, तो 1/3, सी ले लिए 1/4, तो इसमें ए कॉमा सी कितना होगा, 1/2 और 1/4, मतलब ए बी बी सी, तो ए सी जरूरी है, तो ए बी का मतलब ये हुआ, तो बी सी ये हुआ, तो ए सी का मतलब ये ए बनेगा, ये सी, ये देखिए 1/2 ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/9, 1/9 लेस देन इक्वल टू 1/16, 700 का 16, 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/16, क्योंकि ये सब क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। फाइंड इन द सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैज आर इक्वल टू ए कॉमा बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, ये चेक करना है। ये जो है आर इक्वल टू ए कॉमा बी, बी इक्वल टू ए प्लस 1, तो यहाँ से कितना है, 1 से लेकर 6 तक, यहाँ से R बराबर हो जाएगा, अगर A की जगह 1 रखते हैं तो B की जगह कितना आ जाएगा, 1 रखने पर B बराबर 2, तो मतलब 1, 2 हो गया। 2 रखने पर कितना आएगा, 2 और 3, यहाँ 2 रखने पर 2 1 3, तो B की जगह 3, 3 रखने पर 3 1 4, 4 रखने पर 5, 5 रखने पर 6, और 6 रखने पर 7, तो 7 तो है नहीं, इतना होगा। अब इसमें ये जो रिलेशन है, क्या रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब सेट ए क्या है, 1 से लेकर 6 तक, मतलब 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, कहाँ तक, 6, 6 तक होना चाहिए, ये किससे होना चाहिए, आर से, जबकि नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है,
बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सिमेट्रिक होगा। मतलब 1 2 है तो 2 1 है, नहीं है। 2 3 3 2 है, नहीं है। अगर मान के चलिए 1 2 है रिलेशन में, तो 2 1 भी होना चाहिए, ये नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव में अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर हैं, बी और सी बिलोंग्स टू आर हैं, इम्प्लाई डेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मतलब जैसे 1 2 है तो 2 से 2 3 हो गया। अगर ये ए बी है तो ये बी सी, ए सी कितना होगा 1 3, ये 3 होगा तो वो ट्रांजिटिव होगा। तो 1 2 है, 2 3 भी है, और ये 1 3 है, नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो ये यानी चेक का मतलब, यानी चेक किए ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। मतलब नाइदर नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव। द रिलेशन आर इन आर, यानी रियल नंबर आर का मतलब रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी, इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होगा बट नॉट सिमेट्रिक। मतलब रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होगा बट सिमेट्रिक नहीं होगा। सबसे पहले आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये चेक करना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, ए कॉमा ए सच डैट, ए कॉमा ए का मतलब ए लेस देन इक्वल टू ए, तो ये जो है ट्रू है, मतलब ट्रू है। मतलब या तो इनइक्वलिटी में, या तो ये और ये दोनों में से कोई एक सही हो तो सही, मतलब ए बराबर ए। जैसे रियल नंबर का सेट है, मान लेते हैं 1/3 ले लिए, तो सच डैट 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/3, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो मतलब 1/2, 1/3 ले लिए बिलोंग्स टू आर, तो मतलब क्या 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/3। अब यहाँ से ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गया, तो 1/3, 1/2 बिलोंग्स टू आर ये भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2, ये सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट बिलोंग्स टू आर मतलब 12 ये है, 12 कौन वाला है ये, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तब ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ से ए कॉमा बी का मतलब 1/2, 1/3, 1/3, 1/4, 1/2, 1/4। अब देखिए 1/2, 1/3, और यहाँ से ये जो है 1/2, 1/3, मतलब ये 1/2, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/3, 1/2, 1/2, इसको 1 ही रहने देते हैं, ठीक है, और इसको 1 कर दीजिए, इसको 1/3 और इसको 1 कर दीजिए, ठीक है। अब ये ट्रांजिटिव मतलब आपको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव चेक करना, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव होना चाहिए बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो ट्रांजिटिव के लिए ये जो स्टेटमेंट होता है ट्रांजिटिव का, तो ये भी रियल नंबर ये भी, तो 1/3, 1/2, तो 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/2, तो मतलब ये ट्रू है, मतलब ये लेस देन वाला काम कर रहा है, ट्रू है। 1/2 लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 बड़ा है, ठीक है, यानी 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 ये ट्रू स्टेटमेंट है। तो ये भी 1/3 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये मतलब ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो गया बट सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन है, चेक वेदर द रिलेशन आर इन आर, यानी रियल नंबर का सेट है, डिफाइंड बाय डिफाइंड बाय आर इक्वल टू कमा बी ए लेस देन इक्वल टू डी क्यू, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्वल टू ए कमा बी ए लेस देन इक्वल टू बी, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मान के चलिए 1/2, 1/2 सच डेट 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/2 पावर 3। ये गलत है स्टेटमेंट, मतलब 12 ये है, 12 ये बन रहा है, ये स्टेटमेंट गलत। सिमेट्री के लिए ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाय डेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, सिमेट्री के लिए। ठीक है, तो ये मान लीजिए 1/2, 1/3 बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाय डेट 1/3, 1/2 बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ दीजिए 1/2, 1/3, तो मतलब 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/27। ठीक है, और इसमें 1/3 लेस देन इक्वल टू 1/8। अब जब देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, और ये भी स्टेटमेंट, मतलब ए कॉमा बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो इसमें ए की जगह ये और बी की जगह ये, तो ए की जगह 1/2 और ये बी की जगह बी क्यू है, तो 1/3 के पावर कितना है 27। अब इसको बी कॉमा ए करेंगे तो कितना हो जाएगा बी ए क्यू, तो बी कॉमा ए का मतलब ये बी बन गया और ये ए क्यू, तो कितना 8। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है और ये भी गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में वही ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाई डेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो मतलब 1/2, 1/3 बिलोंग्स टू आर, 1/3, 1/4, 1/2, 1/4 बिलोंग्स टू आर। मतलब ये ए बी है, ये बी सी है, ये ए सी है, तो ये अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है, नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी फॉल्स है, नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी फॉल्स है, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो ट्रांजिटिव है, तो चेक हो गया, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। 1/2, 1/2, 2/1 इज सिमेट्रिक होगा, बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। सबसे पहले सेट जो हुआ है, सेट ए मान लेते हैं 1, 2, 3। ठीक है, और आर इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, 2/1। ठीक है, अब यहाँ से देखिए रिफ्लेक्सिव यानी सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है, यही प्रूफ करना था। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए यानी क्या होना चाहिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या, सेट ए में कितना है 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए, किसमें, रिलेशन में। ठीक है, क्या 1, 1 है, नहीं है, 2, 2 है, नहीं है, 3, 3 है, कोई भी नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक क्या, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाय डेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो मतलब ए कॉमा बी का मतलब 1, 2 है रिलेशन में, तो उसका उल्टा 2, 1 ही होना चाहिए रिलेशन में, तो है, तो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव के लिए अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाय डेट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ट्रांजिटिव में, मतलब 1, 2 है, तो 2, 1 भी है, मतलब ये ए बी बना, तो ये बी सी बन गया, तो ए सी कितना होगा 1, 1, क्या 1, 1 है रिलेशन में, नहीं है, तो ट्रांजिटिव नहीं है, प्रूफ हो गए, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, इन सेट ए, सेट ए का रिलेशन ऑफ ऑल द बुक इन लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, मतलब ये रिलेशन को प्रूव करना है सेट आर का, और सेट ए दिया हुआ है ऑल बुक यानी सभी बुक लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज, यानी कॉलेज में के लाइब्रेरी में सभी बुक हैं, गिवन बाय आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई सेम
नंबर ऑफ एक्स और वाई, यानी एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है? जब रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। तो रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो जाएगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स कॉमा एक्स मतलब आर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, यानी एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। ठीक है, यहाँ से एक्स और एक्स हो जाएगा, तो मतलब क्या, एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज। हाँ, यानी एक्स और एक्स सेम नंबर ऑफ पेज हो तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। ठीक है, तो वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या, वाई एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेज। ठीक है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांजिटिव भी है। ट्रांजिटिव में क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। तो एक्स वाई है तो वाई जेड भी होना चाहिए, तो वाई जेड बिलोंग्स टू आर का मतलब वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज, ये भी सही है। तो अगला क्या आएगा, एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, तो एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेज, तो ट्रांजिटिव है। जब रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है, यानी एक्स और एक्स सेम नंबर ऑफ पेज, जैसे एक लाइब्रेरी के बुक में एक्स और एक्स सेम नंबर ऑफ पेज है, एक्स और वाई भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा, वाई और एक्स भी सेम नंबर ऑफ पेज होगा, ट्रांजिटिवली एक्स वाई सेम नंबर ऑफ पेज, वाई जेड सेम नंबर ऑफ पेज, एक्स जेड भी सेम नंबर, तीनों रिलेशन है तो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है,